दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे क्लिक इवेंट। मतलब क्लिक इवेंट को AngularJS में कैसे परफॉर्म करते हैं आज मैं आपको सिखा देता हूं। तो दोस्तों यहां पे मैं अपने कोड पे आ जाता हूं और ये मेरा आउटपुट है। तो कोड पे आपको क्या करना है, पहले मैं एक वेरिएबल को डायरेक्टली कॉल करवा लेता हूँ, ठीक है, और उसमें एक पास करवा देता हूँ पहले मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे इस वेरिएबल का नेम मैं लगा देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल आ गया। अभी टेक्स्ट वेरिएबल को कब कॉल करना है, जब हम इस बटन पे क्लिक करें, ठीक है। तो बटन में बना लेता हूँ, इसमें लगा देता हूँ क्लिक हियर, और यहाँ पे इसे सेव करके रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गया है मेरे पास मैसेज। और तो यहाँ पे पहले मैं HR लगा देता हूँ इसके बाद, ठीक है, और सेव करके रिफ्रेश। तो जब मैं क्लिक पे ये बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अब मेरे पास मैसेज आ जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक कहाँ पे करना है हमें, बटन पे। तो यहाँ पे एक डायरेक्टिव मुझे लगाना पड़ेगा, जो डायरेक्टिव नया है ng click। तो मेरे पास ng click है, और उसके अंदर में क्या लिखना है एक्सप्रेशन की जगह, जो हमें फंक्शन कॉल करवाना है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन लगा देता हूँ क्लिक फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन का नेम भी मैं यहाँ पे क्लिक लगा देता हूँ। तो ये क्लिक फंक्शन को हमें कैसे कॉल करना है आपको पता ही है। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ पहले स्कोप, और फंक्शन का नेम है वो, तो ये हुआ क्लिक। तो यहाँ पे आपको पेरेंथिसिस नहीं लगाने हैं, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टली इक्वल टू करके मैं एक फंक्शन को यहाँ पे स्टोर करवा देता हूँ पेरेंट, और यहाँ पे हाँ अब हो गया मेरे पास फंक्शन क्रिएट। तो उसके अंदर मैं सिर्फ वो वेरिएबल था, कौन सा वेरिएबल, जो ये टेक्स्ट वेरिएबल मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। तो वो वेरिएबल को क्रिएट करने के मुझे स्कोप डॉट और यहाँ पे टेक्स्ट लेना होगा, और उसके अंदर मुझे जो मैसेज प्रिंट करवाना है उसे मैं स्टोर करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ दिस इज क्लिक इवेंट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लगा दिया है, और इसे सेव कर लूंगा, और यहाँ पे भी सेव करके इसे मैं रिफ्रेश करूंगा। तो जब भी मैं यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था क्लिक इवेंट। तो उसके लिए हमें कौन सा डायरेक्टिव यूज करना पड़ा, ng click। तो यहाँ पे पहले मैंने मैसेज दिया और यहाँ पे वेरिएबल प्रिंट करवा दिया है, जिसके अंदर मैंने वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवा दी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब ये आ गया है मेरे पास क्लिक इवेंट, खत्म हुआ। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।